हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, फिल्मों में मनमौजी और मस्ती भरे अंदाज में दिखाई देने वाले धर्मेंद्र असल जिंदगी में भी बेफिक्र किस्म के हैं। पार्टी करना और मस्ती भरे अंदाज में जीते रहना उनका जीवन जीने का तरीका रहा है। जब धर्मेंद्र फिल्मों की शूटिंग में आउटडोर भी रहा करते थे तब भी अपने साथ अपनी बोतल साथ रखते थे। खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र तो फिल्म शोले के सेट पर भी बीच बीच में बियर के घूंट मार लिया करते थे। वहीं फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही जाम हाथ में ले लिया करते थे। ऐसे ही एक वाक्य धर्मेंद्र ने खुद सुनाया था। उस वक्त धर्मेंद्र काफ़ी नशे में थे और अपने घर की चौखट पर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। धर्मेंद्र ने घर से बाहर निकलने से पहले अपने नौकर को कह दिया था कि जब वो वापस आए तो दरवाजे को धीरे से खोले ताकि घर में सोए बाकी लोगों को इसकी भनक न हो। धर्मेंद्र ने एक पत्रिका में यह वाक्य विस्तार से लिखा था। लेख में लिखा गया था, रात को जब मैं 1 बजे करीब अपनी पूरी तरंग में घर वापस आया, फ्लैट के दोनों दरवाजे बंद थे, मेरा खून खोल गया। मैंने नौकर को पुकारा मगर वो न जाने कमबख्त कहाँ मर गया था। काफ़ी देर बाद उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने के बजाय ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में अंधेरा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए लपक कर मैंने उसकी गुद्दी नाप कर कहा, साले मैंने तुझसे कहा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, तूने ये दरवाज़ा क्यों खोला, अब जाकर मेरा कमरा खोल। धर्मेंद्र ने आगे बताया था, मेरा इतना कहने पर उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और मेरी माँ के कमरे में धकेलते हुए ले गया। रोशनी में आकर मैंने देखा कि ये मेरा नौकर नहीं, मेरे वालिद थे।